नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रामटेक के सृष्टि सौंदर्य परिवार द्वारा क्रांति मशाल जोत दौड़ का आयोजन, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया गया आयोजन। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की राह हुई आसान, DGCA ने जारी की नई गाइडलाइंस। और भारी बारिश के कारण नागपुर विश्वविद्यालय की आज की परीक्षा रद्द, ये निर्णय नागपुर, गोंदिया, भंडारा और वर्धा के 4 जिलों के लिए होगा लागू। खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर सृष्टि सौंदर्य परिवार रामटेक व श्रीराम क्रीड़ा मंडल मुसेवाड़ी इनकी संयुक्त सहयोग से आयोजित क्रांति मशाल जोत दौड़ की शुरुआत जीरो माइल नागपुर से प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में स्वर्गीय जतिराम जी बर्वे इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर की गई। ये मशाल दौड़ जीरो माइल नागपुर से कामठी मंसर होते हुए गांधी चौक रामटेक तक पहुंची। कार्यक्रम का समापन गांधी चौक में पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौक से अनुमंडल पदाधिकारी वंदना सवरंगपटे, तहसीलदार बाला साहेब मस्के की उपस्थिति में हुआ। पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौक से ने भाग लेने वाले बच्चों को नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी। इस क्रांति मशाल दौड़ में लगभग 100 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। वाइल्ड चैलेंजर ग्रुप और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ग्रुप रामटेक ने इस रेस को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली आत्मा के माध्यम से एक दिवसीय जंगली सब्जी उत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए तालुका के किसानों ने 10 अगस्त 2022 को यहां छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। जंगली सब्जी महोत्सव में नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और शरीर के लिए पौष्टिक सब्जियां खरीदी। सब्जी महोत्सव का उद्घाटन तहसीलदार डॉक्टर राजेश चौहान, समूह विकास अधिकारी गजानन पिल्लेवट, आत्मा समिति के अध्यक्ष रणवीर टेल ने किया। इस अवसर पर तालुका कृषि अधिकारी SV बेरट, मंडल कृषि अधिकारी AB राठौड़, VB राठौड़, पंचायत समिति के कृषि अधिकारी शंकर राठौड़, आत्मा के BTM SD मोरे, कृषि पर्यवेक्षक नितिन नरवाड़े, BM मस्के इनके साथ कृषि सहायक व उपभोक्ता उपस्थित थे। सब्जी उत्सव में कई पौष्टिक सब्जियां प्रदर्शन के लिए रखी गई थी। महोत्सव में तालुका के बालाजी प्रहलाद शिवाड़े, गणेश चंद्रभान भवार, रविचंद्र पवार, बाबूराव मारोतराव लिंगाड़े, आकाश प्रकाश जाधव जैसे कई किसानों की उपस्थिति रही। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की राह कुछ आसान हुई है, अब वो भी पायलट बन सकेंगे। विमान क्षेत्र के नियामक DGCA ने बुधवार को ऐसे लोगों की फिटनेस का आकलन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। DGCA ने पिछले महीने उन मीडिया खबरों का खंडन किया था जिसमें दावा किया गया था कि एडम हेरी को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस देने के लिए नियामक ने मंजूरी देने से मना कर दिया था। इन रिपोर्टों को सही नहीं बताते हुए DGCA ने तब कहा था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें किसी तरह के चिकित्सकीय मनोरोग या मनोवैज्ञानिक बीमारी ना हो। DGCA ने बुधवार को अपने दिशा निर्देशों में कहा कि एक ट्रांसजेंडर आवेदक की फिटनेस का आकलन उनकी कार्यात्मक क्षमता और अक्षमता के जोखिम का आकलन करने के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा। महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने जालना में एक स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल इस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने छापेमारी में करीब 390 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ जिसका हिसाब नहीं दिया गया था। 58 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सैन्य आभूषण, 16 करोड़ रुपए के हीरे रत्न और करीब 300 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। IT सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने डेवलपर के परिसरों में 1 से 8 अगस्त तक छापेमारी की। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है।
सुरुचि मसाले। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। कोल्हापुर की शिवाजी यूनिवर्सिटी के बाद अब नागपुर यूनिवर्सिटी की आज की परीक्षाएं भी भारी बारिश और बाढ़ के चलते रद्द कर दी गई है। ये निर्णय नागपुर, गोंदिया, भंडारा और वर्धा के 4 जिलों के लिए लागू होगा जो विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में है। विदर्भ में 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और बारिश आज भी जारी रहने की संभावना है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता का चुनाव करते समय हमें विश्वास में नहीं लिया गया। विपक्ष के नेता को बिना चर्चा के चुना गया है, हम इसके खिलाफ है। महाविकास आघाड़ी के रूप में हमें चर्चा में ले जाना आवश्यक था। इतना ही नहीं, नाना पटोले ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे सरकार की स्थापना में राज्यपाल कोश्यारी ने बड़ी भूमिका निभाई है, तो वही सवाल उठाया है कि PMO ऑफिस ने दिखाई PM की संपत्ति असली है या नकली है, और कुछ लोग स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को एक इवेंट के रूप में मना रहे हैं, ऐसी टिप्पणी भी नाना पटोले ने की है। काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राष्ट्रीय पातळीवरून सुरू झालेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये काल आम्ही बापूंच्या आश्रमापासून, सेवाग्रामपासून त्याची सुरुवात केली। आज बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर विधानसभेमध्ये आज आमची रॅली होती। जवळपास 22 किलोमीटरची रॅली त्या ठिकाणी करून हजारोंच्या तादादमध्ये लोक रॅलीमध्ये पावसामध्ये सहभागी झालेत। आणि हा जो अमृत महोत्सव आपण साजरा करतो आहे, याला काही लोक इव्हेंट म्हणून साजरा करतात आहे। काँग्रेस पक्ष या अमृत महोत्सवाला, कारण की काँग्रेस पक्ष हा तिरंग्याचाच तिरंगा हा काँग्रेस पक्षाचा अभिमान आहे, गर्व आहे आणि एक प्रेरणा आहे। आणि हाच तिरंगा घेऊन आम्ही काँग्रेस पक्षाने इंग्रजांना या देशातून पळायला लावलेलं होतं। त्यामुळे तिरंग्याचं महत्त्व आणि काँग्रेसचं इंग्रजांच्या काळामध्ये असलेलं अत्याचारी व्यवस्थेला या देशातून हाकलून लावणं, बलिदान आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेसनी या देशाला पुढं आणण्यासाठी केलेलं काम, या सगळ्या गोष्टीची माहिती नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे काम आमचं सुरू आहे। पण गेल्या 8 वर्षामध्ये केंद्रातलं धोकेबाज सरकार जे आलेलं आहे, त्या सरकारने धोका जनतेला कसा दिलेला आहे त्याचंही वर्णन या गौरवयात्रेच्या निमित्तानं आम्ही सांगतो आहे। कारण की ही जनजागरण एक प्रकारचं आहे, ज्या पद्धतीनं इंग्रजांनी माध्यमाला दाबून ठेवलेलं होतं, लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवून दिली जात नव्हती,
आता तर आपण पाहिलं असेल की गेल्या 8 वर्षामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री माध्यमाचे समोर आलेले नाही. म्हणजे या पद्धतीनं इंग्रजाची व्यवस्था होती तीच व्यवस्था आता देशामध्ये आली. वस्तुस्थिती लोकांच्या समोर जात नाही. GST सारखा गब्बरसिंग टॅक्स आणून सर्वसामान्यातल्या तोंडाचा घास हिसकणं, त्याच्या सगळ्या जीवन उद्ध्वस्त करणं आणि मूढभर मित्रांसाठी देशात ही लोकशाही चालवणं, संविधानिक व्यवस्थेला न मानणं, लोकशाहीला न मानणं, ही जी काही व्यवस्था आता देशामध्ये निर्माण झालेली आहे, या सगळ्या व्यवस्थेचा विरोधही या निमित्तानं जेल से छूटते ही एक अपराधी ने लूट का दूसरा धंधा शुरू कर दिया और पुलिस ने उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया. मानकापुर पुलिस ने एयरगन चाकू के साथ कई जगह लूट कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्रज्वल शेंडे और शहजाद खान ये दोनों कुख्यात आरोपियों के नाम है. पुलिस को नागपुर के मानकापुर थाना क्षेत्र में एक आरोपी संदिग्ध रूप से घूमते हुए नजर आया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और अन्य तलाशी की तो उसकी गाड़ी की डिक्की में से एक एयरगन, चाकू और अन्य सामग्री मिली. जब उसे गिरफ्तार कर जांच की गई तो पता चला कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर लूट को अंजाम दे रहा था. महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 26 जुलाई को जेल से रिहा हुआ था और फिर से वही धंधा शुरू कर दिया था. अब उसे अपने दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. उसने लूट की 3 घटनाओं को कबूल किया है. आगामी जे काही गणेश उत्सव आणि इतर सणांच्या निमित्ताने संपूर्ण शहरामध्ये तसेच शहरातील ज्या काही चेन स्नॅचिंग मोबाईल स्नॅचिंगच्या घटना घडत आहेत त्याच्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त सरांचे आदेश होते की संपूर्ण शहरामध्ये जे काही जेल रिलीज आणि आरोपी रेकॉर्डेड आरोपी आहेत, हिस्ट्रीचिटर आहे आणि अशा प्रकारचे गुन्हे करणारे, जबरी चोरी करणारे गुन्हेगारांना चेक करायचे आहे. त्या मोहिमेदरम्यान दिवीपथक पेट्रोलिंग करत असतानाच आणि रेकॉर्डेड आरोपी चेक करत असतानाच 2 संशयित मुले ॲक्टिवावर फिरताना संशयास्पद दिसले. त्यांची अधिक विचारपूस केली असता ते मुले, त्याच्यातला एक जो होता प्रज्वल शेंडे हा आत्ता 26/7 जेलमधून रिलीज झालेला आहे. त्याच्यावर भरपूर मोठे यापूर्वीचे सुद्धा अशाच प्रकारचे गुन्हे आहेत आणि त्याच्यासोबत शहानवाज खान हा 18 वर्ष हा सुद्धा होता. दोघांकडे कथ्या रंगाची ॲक्टिवा, त्यांच्या डिक्कीमध्ये एक चाकू आणि एक एअरगन तसेच 2 मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त केला. अधिक विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी इटिगदा नदीमधले जे जबरी चोरीचे गुन्हे आणि जखमी केल्याचे सुद्धा सांगितले चाकू मारून, तर अशा प्रकारचे इटिगदांमधले 2 गुन्हे केल्याची त्यांनी कबुली दिली. तसेच आमच्या हद्दीतला 1 गुन्हा मोबाईल चोरीचा हे सुद्धा गुन्ह्याची कबुली केलेली आहे. सध्या ते दोन्ही आरोपी पोलीस स्टेशन मानकापूरच्या ताब्यात असून PCR आहे आणि अधिक पुढील तपास सुरू. प्रज्वल शेंडे हा रेकॉर्डेड आहे. 13 ते 14 गुन्हे त्याच्यावर आहे याच प्रकारचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे. आणि हा जो शहानवाज खान आहे हा सध्या रेकॉर्डेड नाही, आता मला वाटतं तो 18 वर्षाचा हप्ता झाला, तर त्याच्या आधीचा रेकॉर्ड नाही आहे. परंतु याच्यावर बाल गुन्हेगारीपासूनचा रेकॉर्ड आहे प्रज्वल शेंडे आणि तो आत्ताच जेलमधून रिलीज झालेला आहे आणि दोन्ही व्यसन करण्याच्या आधी नाही. त्याच्यामुळं व्यसन करून या किंवा व्यसनाकरता अशा प्रकारचे गुन्हे केल्याचे प्राथमिक तपासात वाटतं. तो VKB न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.